कैसे हो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगे, आपको व्यू अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक अवेलेबल है, उसके ऊपर क्लिक करते ही आप दोनों जगह पर जुड़ सकते हो। यहाँ पर जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वही एनालिसिस मैं सिखा भी रहा हूँ, सो डिस्क्रिप्शन में उसका भी डेमो लेक्चर का लिंक अवेलेबल है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, काफ़ी सारा नॉलेज आपको मिलेगा। टाटा मोटर्स में जिस तरह से ये न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिला था और उसके बाद जिस तरह से ये कैंडल फॉर्म हुई है, सो यहाँ पर 311 के आसपास भी स्टॉक्स आया, फिर से ही हमें सेलिंग ही देखने को मिला हुआ है। ठीक है, मंथली के ऊपर स्ट्रक्चर थोड़े बिगड़े हुए हैं, अगर क्लोजिंग मिल गया 283 के नीचे सो खराबी थोड़ी बढ़ सकती है दोस्तों, और वीकली के ऊपर यह स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है, 283-285 के नीचे जैसे ही सस्टेन होना चालू करता है टाटा मोटर्स में लोअर लेवल 100% पॉसिबल है, और बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा बोलने के लिए 200 का लेवल भी पॉसिबल है दोस्तों टाटा मोटर्स में। समझ रहे हो मेरी बात को, 200 का लेवल भी पॉसिबल है टाटा मोटर्स के अंदर। सो लेकिन सब कुछ पॉसिबल है, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मुझे 283 के नीचे का क्लोजिंग चाहिए। अगर 283 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक होता है तो टाटा मोटर्स में लोअर लेवल 100% हमें दिखाई देंगे, और स्टॉक के अंदर काफ़ी गिरावट भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकती है। ठीक है, और हायर लेवल्स की अगर मैं बात करूँ सो हायर लेवल्स में जब तक ये स्टॉक्स 310 के ऊपर का क्लोजिंग देखने को नहीं मिलता है तब तक टाटा मोटर्स को छूना नहीं है आपको, हायर लेवल्स नहीं दिखाई देंगे। अगर स्टॉक्स यहाँ से कंसोलिडेट भी करता है तो 310 के ऊपर ही सस्टेनेबल क्लोजिंग चाहिए, वो होगा उसके बाद ही हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी ये स्टॉक के अंदर। और 283 जो मैं बता रहा हूँ वो लक्ष्मण रेखा है, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर वो लेवल्स ब्रेक हो गया तो स्टॉक के अंदर फ्री फॉल भी हो सकता है। सो और हायर टाइम फ्रेम पे जिस तरह का चार्ट का स्ट्रक्चर है बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा बोलने के लिए 200 का लेवल भी पॉसिबल है दोस्तों। ठीक है, सो ट्रेल स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए 283 का, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, समझ रहे हो। सो 283 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ध्यान से देखना है और वही आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ठीक है, सो जिस तरह से बताया है उसी तरह से आप लोग काम कीजिए, फायदा आपको दोस्तों ज़रूर होगा। सो यू विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर हम काम कर रहे हैं। अगर यही एनालिसिस आपको भी सीखना है तो ज़रूर आ सकते हो मेरे पास, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ अपने आँखों को और दिमाग को ट्रेन कीजिए, इंडिकेटर के सहारे मत काम कीजिए, योर आई इज़ द बेस्ट इंडिकेटर इफ़ यू नो वॉट यू आर लुकिंग फॉर। सो मेरा एडवाइस आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में गाइस फिर से मिलेंगे, गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।